श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे काला पानी के लिए कुख्यात अंडमान निकोबार से जुड़े कुछ रोचक फैक्ट्स। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का ही हिस्सा है। यहाँ हर साल लाखों टूरिस्ट छुट्टी मनाने के लिए आते हैं, लेकिन इस द्वीप के कई ऐसे फैक्ट्स हैं जिनके बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे। आज हम आपको वही बताने जा रहे हैं। यहाँ रहने वाले मूल जनजाति बाहर से आने वाले लोगों के साथ घुलते मिलते नहीं हैं। यहाँ के निवासी मुख्यतः जारवा जनजाति से हैं और यह 500 से भी कम संख्या में है और बाहरी लोगों से बिल्कुल घुलते मिलते नहीं हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा समुद्री कछुआ पाया जाता है। धरती का सबसे बड़ा कछुआ यहीं पर अपना ठिकाना बनाता है और इस कछुए का नाम है डेरमो चेलियस कोरियासी। यह साइज में बेहद बड़े होते हैं और हर साल अंडमान पहुंचते हैं। धरती का सबसे छोटा कछुआ ओलिव राइडली भी अंडमान निकोबार में ही अपना आसरा बनाता है। इस द्वीप की उत्पत्ति को लेकर लोगों में तरह तरह की मान्यताएं हैं। ऐसा माना जाता है कि अंडमान शब्द हनुमान का एक रूप है जो संस्कृत मूल के मलय शब्द से प्रचलित हुआ है। दरअसल मलय में रामायण के हनुमान पात्र को हंडुमान कहा जाता है और निकोबार का मतलब होता है नेकेट लोगों का लैंड। वैश्विक स्तर पर आइलैंड बेहद चर्चित है, लेकिन आज भी इसकी कई ऐसी जगह हैं जहाँ इंसान पहुँच ही नहीं सका है। इसके कुल 572 आइलैंड्स में से 36 ही जाने या बसने लायक है। निकोबार में जाने के लिए सिर्फ रिसर्च या सर्वे के लिए ही चुनिंदा लोगों को इजाज़त मिलती है। टूरिस्ट के लिए वहाँ जाना बहुत मुश्किल है। 20 के नोट पर जंगल वाला जो हिस्सा है वो अंडमान द्वीप समूह का है। अंडमान आइलैंड का 90% इलाका सघन जंगली है। यह भारत के किसी भी राज्य से ज्यादा है। भारत से ज्यादा अंडमान इंडोनेशिया और बर्मा के नजदीक है। अंडमान की इंडोनेशिया से जो दूरी है वो 150 किलोमीटर है, जबकि भारत की सीमा से ये लगभग 800 किलोमीटर दूर है। अंग्रेजी शासन में इंग्लैंड का नाम, अंडमान का नाम इंग्लैंड वालों ने काला पानी की सज़ा के लिए चर्चित करके रखा हुआ था। यहाँ की सेल्युलर जेल आज भी स्वाधीनता संग्राम के नायकों की कहानी कहती है। हालांकि इस जेल को अब राष्ट्रीय स्मारक में बदल दिया गया है। अंडमान के दो आइलैंड्स का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी के दो ऑफिसर्स के नाम पर रखा गया है। ये आइलैंड है हेवलॉक और नील आइलैंड। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंडमान और निकोबार एकमात्र भारत का ऐसा भूमि क्षेत्र था जिस पर जापान ने कब्जा जमाया था। जापान ने भारत के उत्तर पूर्व के कुछ हिस्सों को भी कब्जा में लिया था, लेकिन सिर्फ 6 महीने के लिए। इस आइलैंड पर 3 साल तक जापान का कब्जा रहा। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आज़ाद हिंद फौज को जापानी मदद से और मजबूत किया था। यह द्वितीय विश्व युद्ध का ही दौर था। बोस ने उत्तर और दक्षिण आइलैंड को शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप नाम दिया था। डेनिस कॉलोनियल रूल यहाँ पर 1868 में ख़त्म हुआ था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इसे खरीद लिया था। इसके बाद आइलैंड का पूरा अधिकार अंग्रेजों के हाथों में चला गया। पहला यूरोपीय जिसने अंडमान में अपनी कॉलोनी बनाई वह डेनिश डेनमार्क का निवासी था। यह 1755 में अंडमान पहुंचा था। अंग्रेज पहली बार 1789 में अंडमान पहुंचे थे, वह भी चंथम आइलैंड पर। अंग्रेजों ने यहाँ अपनी कॉलोनी और नेवल मिलिट्री बेस भी बनाया था। इंडिया में केवल अंडमान में ही आपको वॉल्कोने देखने को मिलेगा। भारत में एक सक्रिय ज्वालामुखी है और ये अंडमान में ही है। ये आइलैंड पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ जाकर आप इस ज्वालामुखी को देख सकते हैं। अंडमान का स्टेट एनिमल है डुंगोंग। ये एक समुद्री जीव है और अपने जोड़े संग बेहद शर्मीला रहता है। इनके 5 ब्रीडिंग सेंटर हैं जिनमें से एक अंडमान में है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बंगाली भाषा बोली जाती है। इसके अलावा हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषा बोलने वाले भी लोग रहते हैं।
अंडमान में कोकोनट क्रैब बहुत पाए जाते हैं। ये ज़मीन पर पाए जाने वाले सबसे विशाल क्रैब होते हैं। इनकी लंबाई 1 मीटर तक हो सकती है। इनका पसंदीदा आहार कोकोनट होता है और ये अपने मुंह से नारियल की मजबूत खोल को भी तोड़ देते हैं। आप इमेजिन कीजिए। अंडमान में बटरफ्लाई आपको बहुत मिलेगा। अंडमान तितलियों के लिए हैप्पी आइलैंड है। आसपास के उष्णकटिबंधीय आइलैंडों में ढेर तितलियाँ यहाँ पहुँचती है। अंडमान के आइलैंड पर सदी की पहली सूर्योदय की पहली किरण पड़ी थी। ऐसा सौभाग्य केवल आइलैंड को ही मिला है और वो आइलैंड का नाम है कैचल। अंडमान में कॉमर्शियल फिशिंग बैन है। यह धरती के उन चुनिंदा जगहों में से हैं जहाँ मछलियाँ को उम्र पूरी करने का अवसर मिलता है और वह अपनी ज़िंदगी जीती है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।